एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकली भी पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश पहुंचाती है तो उत्तर प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को गफलत होती है, वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा ना हो कि उत्तराखंड के अंदर वे आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए, मैं उन्हें इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त करता हूं कि इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। और बहनों और भाइयों, आज फिर से आपको इसी बात के लिए आश्वासन देने के लिए और आपसे आश्वासन लेने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को, लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया है। आप देखेंगे एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला, युवा, महिला, किसान और गरीब जिसके आधार हैं, इस संकल्पना को जो 2047 तक जिस पर भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे आप इलेक्शन घोषणा पत्र कह सकते हैं। मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस मैनिफेस्टो को थोड़ा पढ़े, संकल्प पत्र को पढ़े और फिर जनता जनार्दन के बीच में आप उसकी बात को रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी को आधार बनाया है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, हम सब इस बारे में गौरव के साथ कह सकते हैं। एक बदल एक भारत, मुझे 1998 से गोरखपुर से सांसद के रूप में, गोरखपुर से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था, कभी कभी खिन्नता होती थी जब सांसद के माध्यम से मैं देखता था। कांग्रेस के 10 वर्ष के उस कार्यकाल को भी मैंने देखा था, मन बड़ा खिन्न होता था, कहता था यार क्या सब कहां देश को ले जाना चाहते हैं ये लोग। कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में, न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था, न किसान था, उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारित था, देश को फिर से विघटन की ओर ले जाने वाला था। लेकिन हमने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, आज भारत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, भारत के 140 करोड़ की आबादी में से कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, उसका सम्मान, लोग उसको सम्मान की निगाहों से देखते हैं, सीमाएं सुरक्षित हुई है। उत्तराखंड का तो यह सौभाग्य है कि देश का पहला CDS और द्वितीय CDS भी उत्तराखंड ने देश को दिया है, इसी जनपद ने दिया है। जनरल बिपिन रावत जी की जन्मभूमि है और इसलिए देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड देश की सीमाओं के प्रति सबसे संवेदनशील और सबसे
हमेशा चिंतित रहने वाला था। बहनों और भाइयों, आज हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या थी? कांग्रेस के समय में लगभग 150 जनपद देश कैसे थे जो भीषण नक्सलवाद की चपेट में थे, आज बामुश्किल 3-4 जनपदों में है। और यह भी आप देखना, तीसरा कार्यकाल दीजिए, नक्सलवाद का हमेशा के लिए समाप्ति हो जाएगी। कश्मीर में उग्र आतंकवाद की समस्या का समाधान हो गया है, धारा 370 समाप्त की। आज से 4 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू कश्मीर में था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए गया था। क्या उत्साह था लोगों में, लोग आज चुनाव और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक परिवर्तन। बहनों और भाइयों, पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या थी? आज वे भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करते हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं देख रहा था देहरादून ऋषिकेश से ट्रेन की सुविधा श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक, कोई सोचता था? पहाड़ के लिए तो कनेक्टिविटी सबसे कठिन था, कितना कठिन।